जान पाए कि गाड़ी को हम सही लेंगे, बस आपका हिल खत्म हो गया, आप तो डाउन एरिया है। केयरफुली भाई, आराम से, बिल्कुल आराम से चलना चाहिए, कोई जल्द सबको इसीलिए बोलता हूँ ना भाई, ड्राइव केयरफुली किया था। वेलकम बैक टू चैनल सेठी एक्सप्रेस। आई होप आप सब अच्छे से होगे, बढ़िया होगे। तो कहते हैं आप सबको आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम और कहते हैं व्लॉग स्टार्ट। तो लास्ट में आप लोगों ने देखा होगा हम पहुंचे थे खानवाई में, मोदी ग्राउंड से पीछे ही थोड़ा सा, वहीं पे अभी भी हम खड़े हैं। ये आप पीछे आपको लाइन नज़र आ रही है गाड़ियों की, इतनी लंबी लाइन लगी है जो कि श्रीनगर जाने के लिए तैयार है। तो अभी टाइम आ गया सुबह के 8:30, अभी जस्ट अभी नींद से उठे तो अभी ना मतलब क्या सुहाना मौसम है, क्योंकि रात को हल्की सी बारिश पड़ी इसीलिए अभी मौसम बहुत ही अच्छा है। तो देखो अपनी गाड़ी कहाँ पर लगी है, तो ये इसके पीछे भी देखो कितनी लंबी लाइन है और आगे से भी देखो। तो अभी ने क्या हो गया, मुंह वो अपना धो लिया, बस चाय बन रही है गाड़ी में, नमकीन चाय आज काफ़ी दिनों के बाद पी रहे हैं, क्योंकि ये जो भाई चल रहे हैं ये चाय गाड़ी में ही बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे थे ना, पर इन भाइयों ने बोला हम गाड़ी में ही बना रहे हैं। बट बात ये हो कि यहाँ से होटल भी दूर है, इसलिए जब मतलब खानवाई में फंस जाते हैं वहाँ पे मतलब गाड़ी में ही जो भी खाने पीने का सामान होता है अक्सर, तो मतलब खाना वाना तो हम गाड़ी में ही बनाते हैं, चावल सब्जी जो भी होती है वो गाड़ी में बनाते हैं। अब बस यही चाय वगैरह पीते थे होटल से, पर मतलब जब किसी ऐसी जगह पे मतलब गाड़ी फंस जाती है, लाइन में फंस जाती है, होटल दूर होता है, आगे भी दूर पीछे भी दूर, इसलिए हम गाड़ी में ही फिर चाय बनाते हैं। तो चलो चलते हैं, आपको लेके चलते हैं अंदर गाड़ी में, वहाँ बैठ रही है नमकीन चाय, आपको भी दिखाते हैं और इंशाल्लाह 10 11 12 बजे तक खानवाई भी छोड़ देंगे तो मैं चला जाऊँगा घर, क्योंकि मतलब मेरा भी ना कोई फ़ायदा नहीं हुआ अब, बट मतलब मैं गाड़ी छोड़ के आ गया, मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। चलो क्या करें, खानवाई का सिस्टम है। तो चलो आपको ले चलते हैं अपनी गाड़ी में, नमकीन चाय बन रही है, आपको भी दिखाते हैं हम नमकीन चाय कैसे बनाते हैं। अभी हम आ गए अपनी गाड़ी में, तो मैंने आपको बोला यहाँ पर चाय बन रही है नमकीन चाय, आप देख सकते हो अभी मतलब नमकीन चाय बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, अगर हम वो दूसरी चाय पीते लेप्टन चाय वो जल्दी में तैयार हो जाती है, तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कब तक तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमें भी भूख लगी ना। और ये रहा भाई जो कि चाय बना रहा है, क्या नाम है आपका? शबीर। शबीर कहाँ रहते हो? लारकीपोरा में। लारकीपोरा में। तो शबीर भाई आप थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि हमें भूख लगी है। यहाँ से भी उस्ताद जो हमारे साथ में है ना, ये भी वेट कर रहे हैं कब चाय तैयार हो जाए हम पिएंगे। ठीक है, ओके, देखते हैं तब तक अपनी चाय भी तैयार हो जाएगी। टाइम आ गया दिन के 12, तो आगे से गाड़ियों को छोड़ दिया गया, अभी निकलेंगे। ये रही हमारे वीर जी की गाड़ी, ये भी हमारे साथ में ही है, और एक उस्ताद है। तो ये देखो हम निकले राइट साइड से ही, क्योंकि आगे से गाड़ियों को छोड़ दिया गया, इसलिए हमने भी अपनी गाड़ी निकाली। ऊपर से मतलब हल्की सी बारिश पड़ी है, उसकी वजह से डर लग रहा है कहीं रोड ना ब्लॉक हो जाए, फिर यहाँ पे फंसना पड़ेगा, फिर यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी है, और मौसम भी मस्त है, और बारिश भी गिर रही है हल्की सी, रात को गिरी थी काफ़ी बारिश, पर अभी हल्की हल्की बारिश गिर रही है। और फैजान भाई चला रहे हैं अभी गाड़ी, अभी फैजान भाई ने अपना सफर स्टार्ट किया घर की तरफ, खाना वाना भी बना के रखा, यहाँ ही बैठे थे सुबह से, इंतज़ार कर रहे थे कब तक गाड़ियों को छोड़ेंगे, तब तक हमने अपना काम क्लियर करके रखा, मतलब खाना जो भी मतलब अपना काम से खाना बनाना, कोई मेन काम तो यही होता है, इसी रिजिक के लिए हर कोई घर से निकलता है, ये बस टाइम पे होना चाहिए, कभी टाइम पे मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो क्या करें, यही जब भी टाइम मिलता है फिलहाल यही काम हम अपना करके रखते हैं। तो आप फिलहाल बाहर से मैं आपको दिखाऊँगा कितनी गाड़ियाँ हैं, कितनी लंबी लाइन है। काफ़ी तेज़ से बारिश आने लगी, तो चल रहे अभी जस्ट अपना नाका जो है वो पार कर लिया, मेरा बंद हो जाए। तो ये रही हमारे साथ दूसरी गाड़ी जो कि साथ वाली गाड़ी है, और बारिश काफ़ी तेज़ गिर रही है, आप देख सकते हो नीचे कितना पानी जमा हो गया रोड पे। तो हम भी चल रहे आराम आराम से, वो ये हमारा दूसरा उस्ताद है, जखानी पार कर लिया, तो अपने रोड पे हम एंटर हो गए जो कि मतलब जो श्रीनगर नेशनल हाईवे मेन जो है उधमपुर से लेकर मतलब जो सिंगल वे है
बराबर ताजी मौसम। तो ऊपर से इतनी तेज बारिश कर रही है ना, तो आप भी देखो बाहर से मतलब कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तो मैंने बारी बंद रखी क्योंकि यहाँ से पानी अंदर आ रहा है। ये देखो आप बारिश कितनी तेज गिर रही है। ऊपर से जो ये मतलब पहाड़ वगैरह है इनकी वजह से लैंडस्लाइड होती है, तो मतलब काफ़ी डर रहता है जब भी मतलब बारिश के वक्त हम इस रोड से सफ़र करते हैं। तो ये देखो आप मतलब पूरा ढीला होता है, ऊपर हल्की सी बारिश पड़ रही है तो फिर मतलब एकदम ये नीचे आ जाता है रोड पे, और कई जगहों पर अभी भी लैंडस्लाइड हुई है। तो अब उम्मीद कोशिश यही रहे कि जल्दी से जल्दी अपना ये रोड पार हो जाए और थोड़ी सी बारिश स्टॉप हो जाए ताकि मतलब हम भी किसी मुकाम पे पहुंच जाए, क्योंकि मतलब बहुत डर लगता है इससे बारिश में ड्राइव करने से। तो मतलब आप खुद भी देखो बाहर से कितनी तेज़ बारिश आ रही है। तो चलो क्या करें यार, चलना तो है। अब यहाँ पर हम कहीं ब्रेक भी ना मार सकते क्योंकि अगर कहीं गाड़ी साइड में करके रखेंगे, ऊपर से जो ये पहाड़ है ये सारे गीले हैं, मतलब जितनी तेज़ बारिश गिरेगी उतना खतरा है मतलब स्लाइड आने का, लैंडस्लाइड आने का। ये देख सकते हो आप कितने बड़े बड़े पत्थर, यही डीले होते हैं बारिश की वजह से, यही फिर रोड पे आ जाते हैं, इसी की वजह से अक्सर रोड ब्लॉक होता है। तो चलो फिलहाल हम अपना सफ़र कंटिन्यू ही रखते हैं। पर मैं सच बोलूँ ना, देखो भाई खतरनाक हादसा हुआ है, अल्लाह बचाए सबको। इसीलिए बोलता हूँ ना भाई ड्राइव केयरफुली किया करो। देखो मुर्गी वाली गाड़ी को क्या, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मौसम भी अच्छा हो गया, बारिश भी रुक गई। तो अभी जस्ट हमने चनानी टनल पार कर ली, टाइम हो गया दिन के 2:30 बराबर दिन के 2:30। तो अब पहले हम यहाँ पे खाना खाएंगे, यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी की, तो दूसरी गाड़ी और जो दो गाड़ी साथ में वो भी पीछे है। अब बस यहाँ पे खाना खाएंगे, निकले के खाना खा के तो रखेंगे अपना सफ़र कंटिन्यू, क्योंकि मतलब अभी भी ना मौसम ना ख़राब ही है, मतलब फिर भी बारिश आ सकती है। आप देखो मतलब ऊपर बादल अभी भी है। तो अब पहले हम यहाँ पे खाना ही खाएंगे तो फिर उसके बाद निकलते हैं। चलो फिलहाल मैं खाना खाता हूँ। उसके वीर जी की गाड़ी आ रही है, तो वीर जी खींच के रख। वो देखो कहाँ से गाड़ी आ रही है, वो नीचे से आ रही है, वहाँ पे बहुत टाइट मचा है। तो चल रहे आराम आराम से, अभी बस पहुँचने वाले हैं बानीहाल। उसके बाद मैं जाऊँगा अपने घर, और जो फैजान भाई है ये जाएगा बड़गांव, वहाँ से इसको बोलते हैं NCI खाली करना है, जो कि गाड़ी में लोड है चावल। बस बारिश भी रुक गई, तो फिर मेरी गाड़ी पीछे खींच के आ रही है, इसको वीडियो ले लेंगे और देख करके आ रहा है। चलो यार हैवी गाड़ी है, मुझे लग रहा है भारत बेनस गाड़ी हैवी है, पावरफुल गाड़ी है, जैसे ये खींच रही है BS6 गाड़ी है इसलिए इतना खिंचाई कर रही है। तो चलो अल्लाह सलामत रखे यार, यहाँ से ले लेते इसको थोड़ा सा चार्ज। उस्ताद है अभी गाड़ी चला रहा है, क्या नाम है भाई आपका? फैरोज भाई का नाम है। आज यही गाड़ी लेके आया, जो वीर जी है वो घर में बैठा है, तो इस भाई ने मतलब आगे गाड़ी रोकी है, बोला नहीं पहले मुझे फोटो लेना है फिर उसके बाद आप जाओगे, क्योंकि अब घर पहुंचने वाले हैं, आप भाग जाओगे तो फिर पता नहीं आप मिलते नहीं हो कभी। तो बोला आप मेरी गाड़ी में बैठो, क्योंकि भाई की गाड़ी जो है ना भारत बेनस की गाड़ी है,
जो कि मैं आपको अभी भी दिखा रहा था कि ये गाड़ी बिल्कुल मानो बहुत खींचती है ये गाड़ी, मतलब जो भी है टाटा की 12 चक्का अभी आगे चल रही है और फैजान भाई की गाड़ी, ये गाड़ी ना उससे तेज खिंचाई करती है, गिल में भी है ना भाई खींच के चढ़ती है, मतलब उससे अच्छी गाड़ी चढ़ती है। तो चलो अभी भाई की गाड़ी में बैठे हैं, तो यहाँ पे देखो अलग ही कुछ मजा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे मैं जहाज में बैठ गया, ज्यादा हाइट में है ना इसका कैबिन, तो अभी देखो स्टेयरिंग भी कितनी बड़ी है। तो भाई चला रहा है मस्त से गाड़ी, बस हमेशा आराम से चलना चाहिए क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, क्योंकि हमारा रोड ही है ही ऐसा यार, इस पे कोई भरोसा नहीं होता है। अभी भी देखो हल्की सी बारिश पड़ रही है और नीचे देखो बादल कितना है, तो डर लगता है नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको अपनी गाड़ी दिखाऊंगा, ये देखो भाई आगे आगे हो रही गाड़ी चल रही है, अभी 12 चक्का हमारे साथ साथ नहीं चल रही थी जब से कानवाई छोड़ दी। तो मतलब इस गाड़ी में देखो आप अंदर से कितना जगह होता है कैबिन में, मुझे लग रहा है जो हमारी टाटा की गाड़ी होती है उससे ज्यादा जगह इस गाड़ी में अंदर से है। तो अंदर से भी देखो भाई की गाड़ी कैसी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, जज रही है बिल्कुल, उससे ज्यादा जज रही है यार। पर इसका कैबिन कुछ अलग सा होता है ना, मैं डरता हूँ ये गाड़ी चलाने से क्योंकि चलाई नहीं ये गाड़ी इससे पहले, कभी नहीं चलाई ये गाड़ी ऐसी। यहाँ से देखो नीचे यार क्या व्यू है, मस्त नजारा है। ओ भाई नीचे ना इतना बादल है ना कुछ नजर नहीं आ रहा है। ओ फैजान भाई कहाँ जा रहा है, फैजान भाई ने इंडिकेटर छोड़े थे, मस्त जज रही है क्योंकि जब ऐसे बैंड में गाड़ी मोड़ती है ना बहुत ही अच्छा सीन आता है, बहुत ही अच्छा व्यू आता है। हैजान भाई की गाड़ी को हम साइड ले गए, बस आप तो हिल खत्म हो गया, आप तो डाउन एरिया है, केयरफुली भाई आराम से बिल्कुल आराम से चलना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है इस रोड पे क्योंकि इसने जल्दबाजी मानी ही नहीं, गाड़ी का जो काम है ना इसने जल्दबाजी का काम नहीं माना है, बिल्कुल जितना स्लो चलोगे उतना मजा है। ये देखो यहाँ से क्या नज़ारा आ रहा है, पर यहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा नज़ारा आ रहा है, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, बिल्कुल अच्छी है, मतलब टाटा से बेस्ट गाड़ी मुझे ये भी लगी। पर इसके जो पार्ट्स हैं ना बहुत महंगे होते हैं, मतलब ये जो है ना ये मिरर साइड मिरर ये मतलब इतना छोटा, हमारी गाड़ी जो है ना मतलब जो ऐसी वाली गाड़ी टाटा की गाड़ी होती है उसमें बस 200-250 में ये मतलब साइड मिरर आता है, पर इस गाड़ी में ये वाला मिरर कम से कम 1600 रुपये का आता है और ये छोटा इसके नीचे जो लगा है ये आता है 400 रुपये का। तो चलो रेट ही तेज है, इसको हेवी चीज लगते है, हम तो ऐसे लाते कितने आए हाँ पत्थर भी काफी आए हैं रोड में अभी देख सकते हो आप। तो अब बस अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंचने वाले हैं बानिहाल, फिर जो भी मतलब ये लैंडस्लाइडिंग एरिया है ये पार हो जाएगा, फिर कोई टेंशन नहीं है हम पहुंच गए, और जो भी बाकी ड्राइवर भाई पीछे अभी चल रहे हैं उनको भी अल्लाह अपने मुकाम पर अच्छे से सेफली पहुँचाए, बस यही दुआ रहेगा हमेशा हर किसी बाइक के। तो
sam nyor dinero jam che yaro jam ferio myo myo tumario baliaro jam ferio काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैंने आपको बोला था कि ये है मतलब सबसे डेंजरस पॉइंट जिसको पंथाल के नाम से जानते हैं। तो मतलब यहाँ पे अक्सर लैंडस्लाइड होती है, वो आपको नज़र में आ रहा है, साइड में सरिया बांधा है इसलिए, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए, अगर ऊपर से पत्थर गिर जाए मतलब नीचे गाड़ी पे ना लग जाए इसीलिए ये सेफ्टी के लिए बांधा है। तो इसमें भी मतलब इससे पहले जब पत्थर आए थे कुछ जो सरिया ये लोहा बांधा है इसके, वो उसी के साथ नीचे भी चला गया, वो शायद आपको नीचे से नज़र में आ रहा है, थोड़ा सा इधर दबा के आपको नज़र में आएगा। तो यहाँ पे मतलब अक्सर सिंगल गाड़ी पार होती है, डबल गाड़ी पार नहीं होती है इसलिए हल्का सा जाम लगा है। तो वो देखो पीछे भी गाड़ियों की काफ़ी लंबी लाइन लगी है, आ रही है सारी बारी एक एक करके, वहाँ से देखो आप एक एक करके गाड़ियाँ एंटर हो रही है, ये बाहर कर रहे हैं। तो फैजान भाई की गाड़ी भी आगे आगे चल रही है, तो हम भी यहाँ से अच्छे से आपको दिखा रहे हैं। वो वहाँ से एक नीचे गाड़ी गई है 3-4 साल पहले, वो भी अभी वहीं पे है यार। तो ये देखो यहाँ से आपको सरिया भी नज़र आ रहा है जो कि मतलब ऊपर पत्थर आए हैं इस पर गिरे हैं, तो फिर ये सरिया टूट गया, उसकी वजह से कुछ सरिया इसका नीचे चला गया। तो यहाँ पे मतलब एक एक करके गाड़ी पार हो जाती है। ये देखो आप यहाँ से भी मतलब पत्थर आए ना, जो कि ऊपर से पत्थर आए हैं ये यहाँ पे गिरे, ये देख सकते हो। यहाँ पे हर कोई मतलब तेज निकलने की कोशिश कर रहा है। ये देखो यहाँ से सरिया टूटा है, ऊपर पत्थर आने की वजह से सरिया टूटा है। देखो भाई यहाँ से रोड मतलब नीचे चला जाता है, ऊपर स्लाइड की वजह से नीचे रोड चला जाता है, फिर इसको वहाँ से सेफ्टी करते मतलब जैसे ये सीमेंट डालते हैं, सरिया वरिया बांधते हैं, अच्छे से सेफ्टी रखते हैं, रोड सेफ्टी अल्हम्दुलिल्लाह पार हो गया अच्छे से, बाकी भाई भी आराम से आए। आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग वीडियो पसंद आया होगा। तो
फैजान भाई को भी पसंद आया होगा और इससे भी काफ़ी अच्छा लगा आज, मतलब इससे आके इससे इसके साथ सफ़र किया, इसलिए इस व्लॉग को काफ़ी लंबा हो गया ये वीडियो, इसलिए इस व्लॉग को करके यहीं पे एंड आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।